हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, जो हमारे बीटेक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करेंगे लास्ट क्लास में, तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अपने रीहीट एंड रीजनरेटिव साइकिल के बारे में, और हमने देखा था कि हमारी रीहीट और रीजनरेटिव साइकिल किस तरीके से वर्क करती है और हम अपनी इफिशियंसी को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में स्टूडेंट डिस्कस किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अपने रीहीट और रीजनरेटिव साइकिल के अकॉर्डिंग हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सभी को आज के क्लास में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। ओके, तो एक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टीम पावर स्टेशन यूजेज द फॉलोइंग स्टीम। क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि ए स्टीम पावर स्टेशन यूजेज द फॉलोइंग साइकिल, स्टीम एंड बॉयलर आउटलेट 150 बार और 550 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रीहीट एट 40 बार 550 डिग्री सेल्सियस। देखो यहां पे रीहीट हमको दिया हुआ है, क्योंकि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को पहचानना है कि आखिरकार क्वेश्चन किस मेथड का है, कौन से प्रोसेस है, कौन सी साइकिल से है। तो यहां पे कह रहा है कि रीहीट, तो हमने क्या कराया था, रीहीट वाली साइकिल में अपनी स्टीम को दोबारा से रीहीट करने का काम किया था। तो वही हमने यहां पर दिया हुआ है इसने कि ए स्टीम पावर स्टेशन है यूजेज द फॉलोइंग साइकिल, स्टीम एट बॉयलर आउटलेट, बॉयलर से जो हमारी स्टीम एग्जिट कर रही है उसका प्रेशर 150 बार दिया हुआ है और उसका जो टेम्परेचर है 550 डिग्री सेल्सियस हमको दिया हुआ है। ठीक है, फिर कह रहा है कि रीहीट एट 40 बार 550 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से उस स्टीम को, जब हमारी टर्बाइन से स्टीम एग्जिट कर रही है, उस स्टीम से हम दोबारा इसको रीहीट कर रहे हैं और रीहीट करने के बाद दोबारा से इसको टर्बाइन में प्रोवाइड करा जा रहा है। ठीक है, वही यहां पे कह रहा है, उसका टेम्परेचर कितना होगा, तब भी हमारा 550 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, लेकिन तब उसका जो प्रेशर होगा 40 बार हमारा होगा। ओके, फिर कह रहा है कंडेंसर एट 0.1 बार, कंडेंसर पे हमारा जो स्टूडेंट प्रेशर दिया हुआ है वो 0.1 बार हमको दिया हुआ है, यूजिंग द मोलियर चार्ट एंड अज्यूमिंग आइडियल प्रोसेस। ठीक है, हमको यहां पर मोलियर चार्ट का यूज करना है, साथ के साथ स्टीम टेबल का भी हमको यहां पर यूज करना है। ठीक है, फाइंड द क्वालिटी एट टर्बाइन एग्जॉस्ट, की हमारी टर्बाइन के एग्जॉस्ट पर क्या क्वालिटी होने वाली है, साथ ही साथ साइकिल इफिशियंसी को हमको बात करना है और स्टीम रेट हमारा कितना निकलने वाला है वो भी हमको यहाँ पर स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये समझ में, मतलब क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दी हुई है और उन वैल्यू के रिगार्डिंग हमको क्या क्या वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन हमको करना होता है ना, सबसे पहले उसको समझो कि आखिरकार क्वेश्चन में हमको कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं, और फिर अपना माइंड यूटिलाइज करके हमको ये एज्यूम करना है कि हमको किस तरीके से हमको कौन कौन सी चीजें निकालनी है और कौन सी चीज हमको निकालनी है, जो हम चीज को हमको फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करने के लिए जो हमको वैल्यू चाहिए उससे रिलेटेड वो हमको सबसे पहले निकालनी होगी, तब हम उस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो हम देखेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं। अगर आपको स्टूडेंट मोलियर चार्ट डायग्राम देखना नहीं आता है तो आप हमारे प्रीवियस वाले क्लासेस में देख सकते हैं, कह सकते हैं मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा थर्ड सेमेस्टर था वहां पे मोलियर चार्ट डायग्राम को किस तरीके से स्टूडेंट रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरीके से उसको देखा जाता है, वो मैंने क्लास में आपको डिस्कस किया था। ठीक है, चलो कोई नहीं, बेसिकली मैं आपको यहां पर भी दिखा देता हूं किस तरीके से हमारा मोलियर चार्ट डायग्राम होता है। तो मोलियर चार्ट डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, इस तरीके से हमारा मोलियर चार्ट डायग्राम होता है आपका। ठीक है, आपकी जो स्टीम टेबल होती है, स्टीम टेबल के पीछे ही आपका एक बड़ा सा पेज होता है, वहां पे मोलियर चार्ट डायग्राम हमारा लगा होता है। ये जो हमारी इधर की तरफ हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारी एंथैल्पी की वैल्यू होती है, और इधर भी हमारी एंथैल्पी की वैल्यू होती है, इधर हमारी एंट्रोपी की वैल्यू होती है, और इधर भी हमारी एंट्रोपी की वैल्यू होती है, यही होता है। इसकी जो यूनिट होती है हमारी कितनी होती है, किलो जूल पर केजी, कितना होता है, किलो जूल पर केजी होता है। ऐसे इसी की हमारी यूनिट होती है, किलो जूल पर केजी हमारा यहाँ पर होता है। ओके, यहाँ पे इसकी जो यूनिट होती है किलो जूल पर केजी केल्विन हमारा इसका होता है, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हमारा किलो जूल पर केजी केल्विन हमारा इसका यूनिट होता है। समझ में आ गया। अब इसमें कर्व के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, कर्व के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारे इस तरीके से एक हमारी लाइन बनी होती है, इस तरीके से ये चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट कि ये वाली जो लाइन जाती है वो हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे ड्राइनेस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इस तरीके से हमारी यहाँ पर लाइन जाती है, इस तरीके से ये वाली, ये इस तरीके से हमारी लाइन जाती है, ये वाली इस तरीके से। ठीक है, ये वाली जो लाइन है वो ड्राइनेस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इसी के साथ अगर मैं बात करूंगा यहां पर, यहां से लाइन जाती है फिर हमारे इस तरीके से जाती है, इस तरीके से। ठीक है, ये वाली लाइन जो होती है वो टेम्परेचर की लाइन होती है, किसकी होती है स्टूडेंट, हमारी टेम्परेचर की। ये हमारी किसकी होती है, ड्राइनेस फ्रैक्शन की, किसकी, ड्राइनेस फ्रैक्शन की। ठीक है, अब एक और लाइन हमारी होती है इसमें,
एक लाइन हमारी जाती है स्टूडेंट इस तरीके से, इस तरीके से हमारी लाइन जाती है। तो यहां पे हम इस वाली जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन पे हम क्या करते हैं, यहां पे स्टूडेंट टेम्परेचर दिया होगा, सॉरी प्रेशर दिया होता है, इसको प्रेशर लाइन बोला जाता है। कौन सा? प्रेशर लाइन। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे तीन टाइप की हमारी लाइन दी होती है, जो इस तरीके से हमारी लाइन होती है वो तो हम इसको ड्राइनेस फ्रैक्शन से निकालते हैं, और जो हमारी येल्लो वाली इस तरीके से हमारी लाइन है, मतलब ये इस तरीके से हमारी जो लाइन जा रही है ये वाली, ये हमारी टेम्परेचर लाइन होती है। कौन सी? टेम्परेचर लाइन होती है। इस तरीके से जो लाइन जाती है ये हमारी प्रेशर लाइन होती है। कौन सी होती है स्टूडेंट? ये प्रेशर है, ये मेरी टेम्परेचर है, और इसके रिगार्डिंग एक नीचे इस तरीके से हमारे ये जाता है, और इसके रिगार्डिंग ये वाली जो लाइन हमारी नीचे की तरफ जाती है ये हमारी किसको बताती है? ड्राइनेस फ्रैक्शन को बताती है। किसको? ड्राइनेस फ्रैक्शन को। ठीक है, इन दिस केस अब इसको किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, अब यहां पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसको फाइंड आउट करने वाले हैं, किस तरीके से इसको देखने वाले, मतलब वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे स्टीम टेबल से, वो समझ लेना यहां पर। ठीक है, अब मान लिया आपको क्वेश्चन में टेम्परेचर दे रखा है 500 डिग्री सेल्सियस, आपको प्रेशर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, प्रेशर निकालना है या उसके रिगार्डिंग आपको स्टेंट एंथैल्पी की वैल्यू निकालनी है। इस पर आपको क्या करना है, एंथैल्पी की वैल्यू निकालनी है, और आपको प्रेशर भी दिया हुआ है और आपका यहाँ पर टेम्परेचर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है साथ के साथ आपको यहाँ पर प्रेशर भी दिया हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या देखोगे, यहाँ पर किस तरीके से अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा मान लीजिए कोई भी लाइन जा रही थी जहां पे टेम्परेचर मेरा कितना था, यहाँ पे टेम्परेचर मेरा क्या है, 500 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बता रहा था ये वाली जो लाइन जा रही थी वो हमारी किसकी जा रही थी, प्रेशर की लाइन जा रही थी। अब कोई मेरा प्रेशर है नियर अबाउट, मान लीजिए हमारा कितना 40 बार मान लीजिए, मतलब चलो 200 बार मान लीजिए इसको, ठीक है, या 200 तो ज्यादा हो जाएगा, 90 बार मैं इसको मान लेता हूँ, 90 बार मेरा कोई प्रेशर है। ठीक है, 90 बार प्रेशर की लाइन हमारी मान लीजिए इस तरीके से यहाँ पर कट रही है। ठीक है भाई, यहाँ पे 90 की होगी, 1 की कम है तो 1 की यहाँ पर होगी, तो थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा ये कर्व, इस तरीके जा रहा है। ठीक है, तो जो दोनों लाइन आपस में जहां पर काट रही होंगी, दोनों को आपस में मान लीजिए ये वाली लाइन यहाँ पे आपस में काट रही है, इसके सामने की जो डिजिट होगी यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू दी होगी नियर अबाउट 2300 या फिर हमारा 3400 के आसपास हमारा दिया होगा। ठीक है, वो आपको स्टीम टेबल से देखना है। तो यहां से इसकी वैल्यू किसकी, एच की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी यहां पर। ठीक है, आपको यहीं पर एंट्रोपी की वैल्यू निकालते, बिल्कुल सीधे लाइन पे जाना, तो यहां पे एंट्रोपी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। किसकी? एंट्रोपी की वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी। किसकी? एस की मिल जाएगी यहां पर। ठीक है, यहां पर एस की वैल्यू को आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टीम टेबल से किस तरीके से अपनी एंट्रोपी और एंथैल्पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, बाय दैट गिवन द टेम्परेचर एंड गिवन द प्रेशर रिगार्डिंग, आप इस तरीके से यहाँ पे अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कैसे करेंगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे प्रेशर लाइन है, प्रेशर लाइन हमारी इस वाली प्रेशर लाइन है, और इस वाली प्रेशर लाइन पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे जहां पे एक दूसरे को काटेंगे ये वाली लाइन है, वहां पर क्या करेंगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मोलियर चार्ट डायग्राम क्या होता है, जिसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, एंथैल्पी और एंट्रोपी दो चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, साथ ही साथ ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू को भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर हमको दिया हुआ है, साथ के साथ यहाँ पे टेम्परेचर हमको दिया होता है, एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है बाय द मोलियर चार्ट डायग्राम, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको स्टूडेंट आपको समझाऊंगा किस तरीके से अपनी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किस तरीके से देख सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू, मतलब क्या क्या चीज हमको दी हुई है, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो जो वैल्यू हमको दी हुई ना उनको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि स्टीम पावर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उसको लिख लेते हैं, साथ ही साथ अपना डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अपना यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, किस तरीके से हमारा डायग्राम बनने वाला वो भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, ये मान लीजिए हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, टीएस, टीएस डायग्राम। ठीक है, किस तरीके से कर्व बनता है हमारा, इस तरीके से यहां पर कर्व बनेगा, ये रीहीट साइकिल है। तो रीहीट साइकिल में क्या देखेंगे स्टूडेंट, यहां पर रीहीट साइकिल में क्या होता है, यहां पे हमारा क्या हो गया, हमारा बॉयलर हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये इधर जाता है फिर इधर जाता है, फिर यहीं से दोबारा से इसको गर्म करते हैं, फिर इसको इधर आता है, फिर हमारा ये इधर जाता है
और इधर जाने के बाद इधर आकर ये इधर से मैच कर जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमारी रीहीट साइकिल हमारी बनाई जाती है। तो रीहीट साइकिल में देखेंगे किस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा अंदर की तरफ होता है, ये वाला जो होता है थोड़ा अंदर की तरफ होता है, या इसको आप लिख लेना, ये प्रोसेस हमारे यहां पर हो जाएगा वन। क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टैंड वन हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहे मतलब क्या है, इसको वन तो नहीं मानेंगे, मैंने वन मान लिया, इसको वन से टू, ये वन हो गया, ये मेरा टू हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया और ये मेरा फोर्थ हो गया, ये हमारे यहाँ पे हो गया फाइव और यहाँ पे हो गया हमारा सिक्स, ठीक है। सिक्स से एक जो जा रहा है वो हमारा बॉयलर वर्क है, वन से टू हमारा हाई प्रेशर टर्बाइन वर्क है, दो से तीन पे फिर हमने क्या करा, दोबारा से इसको हीट को हमने ऐड किया, और तीन से चार में हमने क्या करा, फिर हमने टर्बाइन वर्क हमको यहां पर मिला। चार से पांच की बात करूं तो चार से पांच हमारा कंडेंसर का वर्क होता है, और पांच से छह की बात अगर हम बात करेंगे तो पांच से छह हमारा क्या होने वाला है, कंडेंस मतलब पंप का वर्क होने वाला है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसी के रिगार्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको बना देता हूं, इधर से आएगा ये, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है। इसका प्रोसेस आप लोगों को पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दी हुई है उनको लिख लेते हैं यहां पर। क्या क्या वैल्यू दी हुई है उन सब वैल्यू को यहां पर लिख लेते हैं, तो देखेंगे किस तरीके से अपनी वैल्यू को देखेंगे यहां पर। तो सबसे पहले यहां पे देखने वाले हैं कि स्टीम एट बॉयलर, ठीक है, स्टीम एट बॉयलर आउटलेट 150 बार और 550 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा क्या कि हमारी जो यहां पे स्टेंट प्रेशर है दैट इज द पी वन, यहां पे हमारा जो पी वन होने वाला है वो P1 कितना दे रखा है, 150 आई थिंक 150, ठीक है। तो 150 हमारा यहां पर बार दिया हुआ है, ठीक है, कितना दे रखा है 150, यहां पे हमको बार दिया हुआ है। इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे यहां पर आगे की तरफ, टेम्परेचर हमको यहां पर दिया हुआ है दैट इज द T1 हमको यहां पर दिया हुआ है 550 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना हमको दिया हुआ है यहां पर, उसके बाद कंडेंसर एट 0.1 बार, तो यहां पे लिख सकते हैं ये वाला जो बार है यहां पर P, ये हमारा 0.1 बार है, और ये वाला जो P है P1, इसको P2 मान लो, P1 हमको दे रखा है कितना 150 बार, कितना दे रखा है 150 बार हमको दे रखा है, सॉरी 40 बार है, 40 बार है ये, कितना है 40 बार और ये 0.1 बार है, ठीक है। तो P1 भी दे रखा है हमको, P2 भी दे रखा है, यहां दोनों का टेम्परेचर अगर बात करूंगा दोनों का टेम्परेचर, और 550 ही डिग्री सेल्सियस दे रखा है ये, अच्छा कंडेंसर का दे रखा है ये, रीहीट का हमारा 40 बार है, ये वाला जो प्रेशर यहां पे दिया हुआ है ये हमारा क्या है P2 मान लेंगे इसको, और ये हमारा 40 बार दिया हुआ है, ये वाला हमारा 150 बार ही था, कितना है 150 बार, तो P1 हमको दिया हुआ है, P2 हमको दिया हुआ है, P2 हमको और P3 हमको यहां पर दिया हुआ है, P3 मान लेंगे। तो रीहीट जो करा है रीहीट पे प्रेशर हमारा 40 बार है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमारा टेम्परेचर रीहीट पर भी हमारा सेम टेम्परेचर है, तो इसको स्टूडेंट इसको इक्वल कर लेना इस तरीके से। किस तरीके से इक्वल करने वाले हो, इस वाली लाइन को ना सीधा कर लेना इस तरीके से, ए इस तरीके से, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर हमारा कितना है 550 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। टेम्परेचर दोनों का हमारा 550 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहां पे लिख सकता हूं क्या P2, तो P2 बराबर हमारा कितना होगा 40 बार होगा, और यहां पे भी टेम्परेचर कितना होगा दैट इज द 3, T3 भी हमारा 550 बार होगा, T3 भी हमारा कितना होगा 550 डिग्री सेल्सियस होगा, और P3 हमको यहां पर दिया हुआ है कितना 0.1 बार, 0.1 बार हमको यहां पर P3 दिया होगा, ठीक है। यहां का टेम्परेचर हमको नहीं दिया होगा, उसके बाद क्या रहा है इतना दे दिया है, फिर हमारा ये सब चीजें वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दी हुई है वो हमने यहां पर लिखी हुई है, क्या क्या वैल्यू हमको यहां पर दी हुई है, देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना हमारा होता है। यहाँ पे सबसे पहले टेम्परेचर को स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, टेम्परेचर 550 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम किसमें 5 मतलब 550
50 प्लस के 273 डेट विल बी इक्वल्स टू हमारे यहां पर हो जाएगा कितना, तो 550 प्लस के 273 वैल्यू आएगी 283 केल्विन। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग यहां पे भी हमारा यही आ जाएगा, तो 550 प्लस के 273 इक्वल हो जाएगा हमारा 823 केल्विन हमारा हो जाएगा। प्रेशर ऑलरेडी हमको यहां पर दिया हुआ है, इसी के साथ हम बात करेंगे आगे की तरफ। तो आगे हमारा क्या होने वाला देखेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टीम टेबल यूज करेंगे। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बाय यूजिंग स्टीम टेबल, स्टीम टेबल को यूज करेंगे। तो यूज करने के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू यहां पर आने वाली है तो उनको लिखने वाले हैं। ठीक है, यहां पे हमारी जो वैल्यू आने वाली है तो स्टीम टेबल से स्टूडेंट यहां पर क्या देखेंगे, देखो ध्यान देंगे यहां पर H1 की वैल्यू को निकालेंगे किस प्रेशर पर, 150 बार पर। तो यहां पे क्या होगा, हम मोलियर चार्ट डायग्राम से यहां पर H1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा यहां पर स्टूडेंट, हमारी एंट्रोपी की वैल्यू मतलब S1 की वैल्यू हम यहां पर मोलियर चार्ट डायग्राम से देखेंगे। फिर P2 बराबर हमारा 40 बार है, 40 बार पे हम क्या करेंगे यहां पर स्टूडेंट, इसकी HFG और HF की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसी के रिगार्डिंग इस वाले प्रेशर पर हम क्या करेंगे यहां पर HFG HF की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, हाइयर टेम्परेचर है यहां पे H3 जो होगा वो हमारा गैस टन में होगा, उसका HG की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो रीजन होता है यहां पर हमारा क्या होता है, फ्लूड होता है। ये क्या होता है, फ्लूड की वैल्यू को देखेंगे यहां पर। ठीक है, किसकी वैल्यू को, फ्लूड की, मतलब कहने मतलब HF। ठीक है, अगर ये वाले इस वाले लाइन पर हमारी आ रही है तो HG देखेंगे, और इससे नीचे बीच में आ रही है तो यहां पर HFG की वैल्यू को देख पाते हैं। समझ में आ गया, HG का मतलब होता है एंथैल्पी इन द गैस, एंथैल्पी इन द फ्लूड, एंथैल्पी इन द गैस प्लस फ्लूड दोनों का मिक्सर होता है। लेकिन ये वाला जो कर्व होता है ना फोर, वो हमारा लाइन से अंदर की तरफ होता है, तो उसको HFG के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कल मतलब आई थिंक मैंने आपको बताया था किस तरीके से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं पीछे वाले क्वेश्चन में। HFG मैंने आपको मतलब जो हमारा स्टीम टेबल थी, स्टीम टेबल से किस तरीके से फाइंड वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और अभी मैंने आपको बताया रैंकिन साइकिल से अपनी वैल्यू को किस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, वो आप यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हैं, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा वो प्रीवियस क्लासेस में आप देख सकते हैं, वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से रैंकिन साइकिल और अपना मोलियर चार्ट डायग्राम किस तरीके से स्टूडेंट चेक करते हैं वो मैंने आपको क्लासेस में आपको बता रखा है। ओके, तो बाय यूजिंग स्टीम टेबल, तो स्टीम टेबल का यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट H1 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी आएगी 3465, कितनी 3465, यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर केजी, कितना होगा, किलो जूल पर केजी होगा। इसी के साथ H2 की जो वैल्यू हमारी निकल कर आएगी वो हमारी आएगी यहां पर कितनी 3065, कितना आएगा 3065 किलो जूल पर केजी। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे यहां पर H3 की वैल्यू, तो H3 हमारा यहां पर निकलने के आने वाला है 3565 किलो जूल पर केजी, कितना किलो जूल पर केजी। और यहां पे हमारा H4 की जो वैल्यू निकल के आएगी, H4 बराबर ये हमारे यहां पर निकल कर आएगा 2300 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। ये सारी वैल्यू यहां पर क्या निकल के आ जाएंगी बाय द स्टीम टेबल से, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे स्टीम टेबल और यहां पे हम वो लिख लेना मोलियर, मोलियर चार्ट डायग्राम या मोलियर चार्ट से। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मोलियर चार्ट में क्या होता है ना, मोलियर चार्ट में केवल हमारी एच की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, मतलब एच की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट किया जाता है, HG HFG या HF की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करते, वो स्टीम टेबल से करते हैं। तो मोलियर में डायरेक्टली हम क्या करते हैं, एच की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे ड्रेनेज फ्रैक्शन इतना वेरी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बाय यूजिंग द स्टीम टेबल मोलियर चार्ट डायग्राम से मैंने वाली वैल्यू को फाइंड आउट किया है H1 H2 H3 H4 को, और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हमको ड्रेनेज फ्रैक्शन की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी एक्स बराबर के 80। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू हमको यहां पर दिया गया 0.88, कितना दे रखा है 0.88 हमको दिया हुआ है रिगार्डिंग फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा था
ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे निकाल लेंगे कितना 0.88 बाय द मोलियर चार्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, वहीं से हमने क्या करा, एक्स की वैल्यू को वहां पर फाइंड आउट किया है। तो एक्स जो होगा वो हमारा एक्स फोर होगा, यहाँ पर क्या होगा एक्स फोर। कहने का मतलब क्या है, एक्स फोर जो होगा ये वाला होगा यहाँ पर, ये एक्स फोर की वैल्यू होगी यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो हमारा इससे कम है, तो कहने का मतलब क्या है, इसलिए हमारी ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कितनी होती है, जीरो होती है, और यहाँ पे कितनी होती है, वन होती है। इस वाले पॉइंट पर कितनी होती है, वन होती है, लेकिन हमारा जो कर्व है वो थोड़ा अंदर की तरफ है इस वाले लाइन से हटके, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी जो आएगी 0.88 हमारे यहाँ पर आने वाली है। सॉरी, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग x4 की जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी 0.88 हमारे यहाँ पर आने वाली है, और एच फाइव की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारे यहाँ पर आएगी कितनी, दैट इज द 191.883 किलो जूल पर केजी। कितना आएगा, किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पे सारी वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, बाय द मोलियर चार्ट डायग्राम से। एच वन की वैल्यू क्या होगी, एच टू की क्या होगी, एच थ्री की क्या होगी, एच फोर की क्या होगी, साथ के साथ हमारे एच फाइव की वैल्यू भी क्या होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली एच फाइव की जो वैल्यू होगी हमारी एच एफ के रिगार्डिंग हमारी होगी, किसके रिगार्डिंग, एच एफ के रिगार्डिंग हमारे यहाँ पर होने वाली है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे यहां पर पंप वर्क के बारे में, कि पंप वर्क हमारा कैसे होने वाला है। या पहले टर्बाइन वर्क देख लेते हैं, टर्बाइन वर्क, तो टर्बाइन वर्क जो होता है वो WT होगा, और टर्बाइन वर्क हमारे दो टर्बाइन हमारे यहां पर लगी हुई है, और दो टर्बाइन लगने के बावजूद हमारे यहां पर क्या होने वाला है देखेंगे। तो एक टर्बाइन हमारा H1 माइनस के H2 होगा प्लस के H3 माइनस के H4, ठीक है, H1 माइनस के H2 प्लस के H3 माइनस के H4। भाई दो टर्बाइन है ना, एक तो हाई प्रेशर टर्बाइन है, एक हमारी लो प्रेशर टर्बाइन है, तो वही यहां पर क्या करने वाले हैं, प्रेशर टर्बाइन देखने वाले हैं। तो ये होने वाला है हमारा कितना, H1 माइनस के H2 प्लस के H3 माइनस के H4, H3 माइनस के H4। ठीक है, तो यहां पे अपनी वैल्यू को पुट करेंगे, H1 की वैल्यू हमारी कितनी है, H1 की वैल्यू हमारी 3465। H2 की वैल्यू को देखेंगे तो H2 की वैल्यू है हमारी 3065 प्लस H3 की वैल्यू हमारी कितनी है, H3 की वैल्यू 3565 और H4 की वैल्यू हमारी कितनी 2300। वैल्यू को हमने यहां पर पुट किया है, और वैल्यू को पुट करने के बाद क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके देखेंगे हमारी क्या वैल्यू हमारे यहां पर आने वाली है। ठीक है, तो 3465 माइनस के 3065 इक्वल टे हो जाएगा हमारा 400 प्लस 3565 प्लस के 2300, तो वैल्यू आएगी हमारी 5865। कितना 5865 3465 माइनस 3065, तो वैल्यू आएगी हमारी 400। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे प्लस 5865, तो वैल्यू आएगी हमारी 6265 किलो जूल पर केजी। कितना जाएगा, किलो जूल पर केजी, ये हमारे डब्ल्यू टू की डब्ल्यू टी की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो 6265 कुछ यहां पे गड़बड़ हो गई क्या, 3465 माइनस 3065 तो वैल्यू 400 आएगी, हाँ ठीक है, प्लस 3565 माइनस 2300, तो वैल्यू हमारी आ रही है 1665। माइनस 2300 तो वैल्यू आएगी 1265। सॉरी, यहां पे गलत हो गया है, इसको सही कर लेना, ये आएगा हमारा 1265। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे हमारी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट कितनी, 1665 किलो जूल पर केजी। ये हमारा निकल गया यहां पर, हमारा
टर्बाइन वर्क हमारे यहां पर निकल गया, ठीक है। पंप वर्क निकालेंगे तो पंप वर्क देखें किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, तो बात करेंगे पंप वर्क के बारे में कि पंप वर्क किस तरीके से यहां पर निकालने वाले हैं। तो पंप वर्क बेसिकली हमारा होता है डब्ल्यू पी डेट विल बी इक्वल टू, अगर पंप वर्क की मैं बात करूंगा स्टूडेंट यहां पर, तो पंप वर्क किस तरीके से देखने वाले हैं, तो यहां पर पंप वर्क क्या होता है, यहां पर एच सिक्स माइनस के एच फाइव, क्या होता है एच सिक्स माइनस के एच फाइव, तो ये हो जाएगा एच सिक्स माइनस के एच फाइव, क्या हो जाएगा पंप वर्क, ठीक है। तो यहां पर पंप वर्क करने वाले हैं एच सिक्स माइनस के H6 H5, ठीक है। लेकिन H6 की वैल्यू मुझको नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पंप वर्क का मैंने दूसरा फॉर्मूला आपको बताया था, WP बराबर के हम V5, तो V5 मतलब VF के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू देखेंगे किससे, अपना स्टीम टेबल से, तो VF5 पर देखेंगे, F का मतलब फ्लूड, और प्रेशर कहां पर होगा उसका, कितना होगा प्रेशर स्टैंड हमारा, प्रेशर होगा वहां पर 0.1 bar में, तो आपको स्टीम टेबल को ओपन करना है, प्रेशर वाली वैल्यू को देखना है, वहां पे 0.1 बार को देखना है, 0.1 बार के अकॉर्डिंग वहां पे आपको VF आपको देखना है, VF और VG नहीं देखना, केवल आपको VF देखना है, ठीक है। VF की जो वैल्यू होगी वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो बाय द तो यहां पे VF और ये हो जाएगा हमारा कितना P1 माइनस के P2, यहां पे जो प्रेशर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कितना P1 माइनस के P3, P1 माइनस के P3, क्योंकि एक ही हमारा यहां पर फीड पंप लग रहा है, तो यहां पे VF5 दैट विल बी इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी कितनी दे रखी है 0.001001, ठीक है 0010 कितना मीटर क्यूब पर केजी, ये हमको दी हुई है बाय द स्टीम टेबल, ये स्टीम टेबल से हमको यहां पर दी हुई है, स्टीम टेबल से आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। स्टीम टेबल से ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहां पे मैं वैल्यू इसको लिख रहा हूं, तो क्या वैल्यू हमारी आई 0.001010, और P1 का ट्रैक जो हमको प्रेशर दिया हुआ है वो हमको यहां पर दिया हुआ है 150 बार, कितना दिया हुआ है 150 बार, और ये हमारा 0.1 कितना है 0.1, तो यहां पर देखेंगे 150 माइनस के 0.1, अब बार दिया हुआ है इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा, तो 10^2 कर देंगे इसको, ठीक है 10^2 बार दिया है और केजी में, हाँ ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके देखेंगे हमारी वैल्यू यहां पर क्या आने वाली है, इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे यहां पर वैल्यू आएगी स्टूडेंट, तो 0.001010, और यहां पहले हम करेंगे 150 माइनस के 0.1, तो वैल्यू आएगी 149.9 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.001010, और इक्वल करेंगे 0.151 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, तो जाएगा 15.1399 कितना किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, ये हमारा क्या जाएगा पंप वर्क हमारे यहां पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो पंप वर्क भी हमारे यहां पर निकल गया, इसी के साथ हम बात करेंगे यहां पर हीट सप्लाइड के बारे में, किसके बारे में हीट सप्लाइड के बारे में, सॉरी पंप वर्क, ये हमारा पंप वर्क ही निकला है, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, हीट सप्लाइड के बारे में। अब हीट सप्लाइड निकालने के लिए वहां पर हमको H6 की वैल्यू भी जरूरत पड़ेगी, तो H6 हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही देखेंगे यहां पर स्टूडेंट, यही देखेंगे यहां पर, तो WP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा WP, ये हो जाएगा हमारा WP इक्वल्स टू H6 माइनस के H5 है, H6 की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा बराबर के WP प्लस के H5 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे WP की जो वैल्यू हमारी निकल कर आई है पंप वर्क की, तो वो हमारे यहां पर निकल कर आई है कितनी 15.1399 प्लस के H5 की वैल्यू हमारी निकल कर आई थी बाय द स्टीम टेबल से, तो H5 की वैल्यू हमारी निकल कर आई थी कितनी 191.83, कितना 191.83, तो 191.83, ठीक है। इसको करेंगे ऐड करके देखेंगे अपनी वैल्यू यहां पर कितनी आने वाली है, तो 15.1399 प्लस 191.83, तो वैल्यू आएगी 206.9699, ये हमारा H6 की वैल्यू आएगी किलो जूल पर केजी की वैल्यू हमारे यहां पर निकल कर आ गई। अब बात करेंगे किसके बारे में, स्टीम हीट सप्लाइड के बारे में, तो यहां पे बात करेंगे किसके बारे में, हीट सप्लाइड, तो कहां कहां पर हम स्टूडेंट हीट सप्लाइड कर रहे हैं वो हम देखेंगे, तो हीट सप्लाइड बेसिकली कहां कहां पर हो रही हो वो यहां पर देखने वाले हैं।
तो वो हीट सप्लाइड हम कहां से कर रहे हैं, H1 माइनस के H6 पे हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाइड इसको दे पा रहे हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करें यहां पे स्टूडेंट हीट सप्लाइड के बारे में, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट यहां पे ऐड कर रहे हैं। ओके तो यहां पे हमारी हीट सप्लाइड आ जाएगी कितनी, H1 माइनस के H6 प्लस के H3 माइनस के H2 प्लस के H3 माइनस के H2, ठीक है, H3 माइनस के H2। तो ध्यान देंगे यहां पर हीट सप्लाइड जो होगी हमारी, हीट सप्लाइड हमारी कितनी होगी, H1 माइनस के H6 प्लस के H3 माइनस के H2, H3 माइनस के H2, ठीक है। तो H1 की जो वैल्यू हमारी निकल कर आई थी, H1 की वैल्यू हमारी क्या है, 3465 माइनस के H6 की वैल्यू हमारी 206.83 प्लस के H3 की वैल्यू हमारी कितनी है, 3565 माइनस के H2 की जो वैल्यू हमारी आने वाली है वो 3065 है, कितनी 3065। ये वैल्यू हमने यहां पर देखी। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि दोनों में इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके अपनी वैल्यू को देखेंगे हमारी वैल्यू कितनी निकल के आने वाली है। तो 3465 माइनस के 206.83 वैल्यू आएगी 3258.17 प्लस के इसको ऐड करेंगे 3565 प्लस के सॉरी माइनस के 3065 तो वैल्यू आएगी 500। दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके हमारी वैल्यू आएगी कितनी 3258.17 वैल्यू आएगी 3758.17 किलो जूल पर केजी, कितना आएगा किलो जूल पर केजी, ये हमारी हीट सप्लाइड हमारी निकल कर आ गई क्यू, ठीक है, क्यू हमारा निकल कर आ गया, मतलब हीट सप्लाइड हमारे यहां पर निकल कर आ गई है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो हमने क्या क्या वैल्यू हमने निकाल चुके हैं वो हम देख लेते हैं यहां पर क्या क्या हमने निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर टर्बाइन वर्क हमने निकाल लिया, टर्बाइन वर्क निकल गया, ठीक है। उसके बाद हमने पंप वर्क को निकाला, पंप WP भी हमारा निकल गया, पंप वर्क निकल गया। उसके बाद हमने यहां पर क्या देखा, हीट सप्लाइड हमने निकाल लिया। अब यहां पर क्या करेंगे, इफिशियंसी को देखेंगे। तो इफिशियंसी जो होती है स्टूडेंट हमारी, वो हमारी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट हमारे यहाँ पर एफिशिएंसी होती है, ठीक है। आउटपुट का मतलब क्या होता है, नेट वर्क डन हमारे को जो मिल रहा है, नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है। तो नेट वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, टर्बाइन वर्क माइनस के पंप का वर्क हो जाएगा अपॉन, और हीट सप्लाइड हमारी हो जाएगी यहां पर क्यू, क्या हो जाएगा, क्यू हमारे यहां पर हीट सप्लाइड हो जाएगा। तो वही चीज हम यहां पे देखने वाले हैं, टर्बाइन वर्क जो हमारा निकल कर आया था वो हमारा था 1665 माइनस पंप वर्क जो हमारा निकल कर आया है वो कितना है, 15 हमारा निकल कर आया अपॉन हीट सप्लाइड जो हमारी निकल कर आई है वो कितनी आई है, 3758, यही है ना, 3758.17। इसको देखेंगे कैलकुलेट करके, तो यहां पे हमारी वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, 1665 माइनस 15 इक्वल डिवाइड करेंगे 3758.17 तो वैल्यू आएगी 0.439, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं यहां पर क्या लिख सकते हैं, इफिशियंसी दैट विल बी इक्वल टू 43.9% हमारी इफिशियंसी निकल कर आएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहां पर सोल्व कर सकते हैं। अब साथ के साथ हमारा इसमें आगे की तरफ बात कर सकते हैं, किसके बारे में, अपना स्टीम रेट के बारे में, ठीक है, स्टीम रेट हमारा क्या होने वाला है, तो बात करेंगे स्टीम रेट के बारे में। स्टीम रेट हमारा क्या होगा यहां पर, दैट इज दैट 3600 अपॉन हमारा कितना हीट निकल कर आया, वो हीट सप्लाइड हमारी निकल गई थी 1650 वर्डन, ठीक है, वर्डन हमारा कितना आया 1650,
ठीक है, वर्ग हमारा कितना है 1650, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके हमारे यहां पर वैल्यू आ जाएगी 3600 डिवाइड बाई 1650, ये हो जाएगा 2.18, तो स्टीम रेट हमारा आएगा 2.18 kg per kilowatt इंटू आवर। ठीक है, समझ में आ गया भाई कहने का मतलब क्या है हमारा, ये क्या वर्क डन है, तो वर्क डन क्या होता है किलो जूल पर केजी होता है, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा ये, और यहाँ पे हमारे क्या घंटे हो जाएंगे, दैट इज द आवर, कितना हो जाएगा हावर हो जाएगा घंटे, तो 3600 हमारे क्या होते हैं घंटे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम हावर में अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा स्टीम रेट, मतलब कि प्रति घंटे में हमारा इतना जो स्टीम है वो हमारे इसके अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहां पर देखा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ओके, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के रिगार्डिंग, कि दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहां पर दिया हुआ है कि ए स्टीम पावर प्लांट रनिंग ऑन रैंकाइन साइकिल हैज स्टीम एंटरिंग एचपी टर्बाइन 20 मेगापास्कल और 550 डिग्री सेल्सियस एंड लीविंग लो प्रेशर टर्बाइन 90% ड्राइनेस उसका ये दे रखा है। ठीक है, कंसीडरिंग कंडेंसर प्रेशर हमको यहां पर दिया हुआ है कि ऑफ 0.005 मेगापास्कल एंड रीहीटिंग अप टू द टेंपरेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन क्या क्या वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कि द प्रेशर एट विच स्टीम लीव हाई प्रेशर टर्बाइन, और यहाँ पे थर्मल एफिशिएंसी भी हमको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रहा है कि ए स्टीम पावर प्लांट रनिंग ऑन रैंकाइन साइकिल, मतलब रैंकाइन साइकिल वर्क कर रहा है, हैज स्टीम एंटरिंग द हाई प्रेशर टर्बाइन पे हमारे जो स्टीम एंटर कर रहा है वो 20 मेगापास्कल और 550 डिग्री सेल्सियस है एंड लीविंग द लो प्रेशर टर्बाइन, जब हमारा लो प्रेशर टर्बाइन से हमारी जो जो हमारी स्टीम है वो एग्जिट कर रही है, वहां पे उसकी जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है 90% दे रखी है। तो 90% का मतलब क्या होता है इसमें, मतलब 90% दे रखा है, तो 90% हमारा वेपर होता है और 10% उसमें हमारा वाटर होता है। ठीक है, कंसीडरिंग कंडेंसर प्रेशर ऑफ, हमारा कंडेंसर का प्रेशर दे रखा है 0.005 मेगापास्कल एंड रीहीटिंग अप टू द टेंपरेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस, दोबारा से उसको जो रीहीट किया जाता है वो 500 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म किया जाता है। द प्रेशर एट द विच स्टीम लीव हाई प्रेशर टर्बाइन, हाई प्रेशर टर्बाइन से जब हमारी स्टीम एग्जिट कर रही है उसका प्रेशर क्या होने वाला है वो हमको यहां पर फाइंड आउट करना है, और यहाँ की इस साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी क्या निकलने वाली है वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी के रिगार्डिंग इस वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो इस तरीके से पहले इसका टीएस डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, समझेंगे इसके टीएस डायग्राम के बारे में। तो टीएस डायग्राम जैसे कि अभी हमने देखा किस तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो वही रीहीटिंग वाला होगा हमारा, इस तरीके जाएंगे, इस तरीके जाएंगे, ये सीधा हमारा इस तरीके से आएगा, फिर इस तरीके जाएंगे, फिर हमारा इस तरीके से आएगा, और ये इस तरीके से जाएगा, और ये हमारा इस तरीके जाकर इस तरीके जाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्रोसेस वन, ये हो जाएगा टू, ये थ्री हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ये फाइव हो जाएगा, और ये हमारा सिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे बात करके कि ये कैसे होगा, ये इस तरीके जाएगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, क्या क्या वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है गिवन में, गिवन में क्या क्या वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है। देखो सबसे पहले पी वन हमको यहाँ पर दिया हुआ है, डेट इज द 30 bar, कितना 30 बार हमको यहां पर दिया हुआ है, सॉरी 20 मेगा पास्कल दिया हुआ है। ठीक है, 20 मेगा पास्कल, तो P1 की जो वैल्यू हमको यहां पर दी हुई है वो हमारे को 20 मेगा पास्कल दी हुई है, इसको कन्वर्ट करेंगे बार में तो कितना हो जाएगा 200 बार हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 बार। T1 की मैं बात करूंगा, T1 हमको 550 डिग्री सेल्सियस हमको दिया हुआ है, तो 550 प्लस के 273 हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर कितनी, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 550 या 500 है,
550 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 550 डिग्री सेल्सियस हमको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 550 यहां पे हमको दिया हुआ है, इसी के रिगार्डिंग यहां पे बात करेंगे आगे की तरफ। और जो वैल्यू यहां पे हमको दी हुई है उनको भी लिख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू यहां पे हमको दी हुई है। इसको सही कर लेना, 500 है ये, 500 है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ये कितनी है 500, यहां भी इसको 500 कर लीजिए। तो 500 प्लस के 273 ये हो जाएगा कितना 5673 डिग्री केल्विन हो जाएगा ये। ठीक है, 773 केल्विन हमारा हो जाएगा। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हमको ये दे रखा है ड्राइनेस फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पर कितनी दे रखी है x की। तो x हमारा क्या है जो लीविंग मतलब इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे x4 की वैल्यू, तो x4 जो दे रखा है हमको कितना दे रखा है 0.90, कितना दे रखा है 0.90। इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे p4 की, ठीक है, तो x वो मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू हमारी 0.90 क्वेश्चन में दी हुई है। और इसकी रिगार्डिंग बात करेंगे P4, तो P4 हमारे यहां पर क्या होने वाला है, मतलब यहां पे P4 की हमारा प्रेशर दे रखा है कंडेंसर प्रेशर, वो हमको दे रखा है 0.005 मेगा पास्कल, 0.005 मेगा पास्कल। और ये हमारे यहां पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 0.05 bar। ठीक है, बार में कन्वर्ट कर देंगे इसको, किसमें कन्वर्ट करेंगे बार में कन्वर्ट कर देंगे। इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे नेक्स्ट यहां पर। ठीक है, और हमको यहां पे T3 की मैं बात करूं तो T3 भी जो हमको यहां पर दे रखा है 500 डिग्री सेल्सियस हमको यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रॉम स्टीम टेबल से और रिगार्डिंग फॉर द 200 बार देखेंगे। नाउ वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, नाउ यूजिंग द मोलियर चार्ट। ठीक है, मोलियर चार्ट डायग्राम देखेंगे कि मोलियर चार्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू हमारी होने वाली है। तो यहां पे देखेंगे एट 200 डिग्री एट 200 बार पर, 200 बार पर मोलियर चार्ट डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग यहां पे हमको टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर हमको यहां पर दिया हुआ है कितना 500 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे जो H1 की वैल्यू आएगी हमारी, H1 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी आएगी 3240 किलो जूल पर केजी, कितना आया किलो जूल पर केजी। इससे की रिगार्डिंग S1 की जो वैल्यू हमारे यहां निकल कर आएगी वो 6.14 के आसपास आपके यहां पर निकल गए किलो जूल पर केजी इनटू केल्विन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या है कि हम पे हमको प्रेशर भी दिया हुआ है साथ के साथ हमारा टेम्परेचर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एंथैल्पी और एंट्रोपी की जो वैल्यू निकालेंगे वो अपना मोलियर चार्ट डायग्राम से निकालेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था इस तरीके से यहाँ पे हमारा टेम्परेचर की लाइन होगी और ये हमारे प्रेशर की लाइन होगी। अगर टेम्परेचर और प्रेशर एक पॉइंट में यहाँ पे मिल जाता है तो उसको इधर की जो देखेंगे यहाँ पे H की वैल्यू देखेंगे और इसके ऊपर की जो वैल्यू यहाँ पे जाएगी यहाँ पे हमारी S की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो H1 S1 हमारा हो जाएगा। इस तरीके से अपना मोलियर चार्ट डायग्राम से अपनी वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ एट 0.05 बार पर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो प्रेशर दिया हुआ है एट 0.05 बार, यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है प्रेशर वो हमको दिया हुआ है 0.005 मेगा पास्कल हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसको बार में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 हमारा क्या हो जाएगा बार हो जाएगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं वो मैंने आपको कल बताया। ठीक है, तो यहीं पर हम देखेंगे तो 0.05 बार पर अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे 4 के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे क्या जाएगा HFG4 पर देखेंगे तो हमारे यहाँ पर वैल्यू आएगी कितनी 2423.8 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी निकल कर आएगी। इसी के साथ साथ हमारा SF4 जो हमारा निकल कर आएगा वो हमारा आएगा 0.476 किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। इसी के साथ हम बात करेंगे SFG4 हमारा जो आएगा यहां पर क्या आएगा SFG, तो SFG4 पे हमारी जो वैल्यू आएगी
वो आएंगे हमारी 7.920 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूंगा यहां पर एचएफ की, एचएफ फोर हमारा जो फ्लूड होगा वो होगा 137.8 किलो जूल पर केजी। ये जो वैल्यू मैंने लिए वो स्टीम टेबल से लिए, किससे लिए स्टूडेंट, स्टीम टेबल से वाली वैल्यू को मैंने लिया हुआ है, ठीक है। ऊपर वाली जो ली थी मैंने अपना मोलियर चार्ट डायग्राम से मैंने अपनी वैल्यू को लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करा, सारी वैल्यू को हमने स्टूडेंट फाइंड आउट कर लिया। अब किस तरीके से देखेंगे आगे क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे फोर वाले पॉइंट पर निकालेंगे, एच फोर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो एच फोर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे क्या होता है फॉर्मूला हमारा, दैट इज द एच फोर क्या हो जाएगा, एच फोर बराबर एच एफ फोर प्लस के एक्स फोर एच एफ जी फोर, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू मुझको पता है एच फोर की नहीं पता, एच एफ फोर की पता है, एक्स फोर की पता है, इसकी वैल्यू पता है। तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो एच एफ फोर की अभी वैल्यू हमने देखी थी कितनी 137.8 प्लस एक्स टू की वैल्यू हमारी कितनी 0.9 है मल्टीप्लाई, और एच एफ जी फोर की जो वैल्यू है 2423.8 हमको दी हुई है। इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके हमारी जो यहां पर वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी निकल कर आएगी कितनी 0.9 मल्टीप्लाई 2423.8 इक्वल प्लस करेंगे इसमें 137.8 तो वैल्यू आएगी 2319.22 कितना किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी किसकी वैल्यू निकल गई एच फोर की हमारी वैल्यू निकल कर आ चुकी है, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एंथैल्पी मतलब जो हमारी एंट्रोपी होगी उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो एंट्रोपी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के देखेंगे एस फोर बराबर हमारा क्या हो जाएगा एस एफ फोर प्लस के एक्स फोर एस एफ जी फोर, समझ में आएगा फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको देखेंगे, एस एफ फोर की जो हमारी वैल्यू निकल कर आई थी पीछे भी हमने देखी थी 0.476 प्लस के X4 हमको पता है 0.9 मल्टीप्लाई SFG4 की जो वैल्यू हो कितने 7.920 इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके देखेंगे हमारी वैल्यू क्या निकल कर आने वाली है। तो 0.9 मल्टीप्लाई 7.920 इक्वल प्लस करेंगे 0.476 तो वैल्यू आएगी 7.604 किसकी S4 की वैल्यू निकल कर आएगी किलो जूल पर केजी केल्विन, क्लोजूल पर केजी केल्विन। अब सबसे पहले फंडा हमारा ये है कि हमने H4 और S4 की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हमने यहां से अपनी वैल्यू को देखा है, कहां गया डायग्राम ये रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, हमने H4 देखो H1 की हमको वैल्यू पता है, S1 की वैल्यू हमको पता है, अभी 2 पर हमको प्रेशर नहीं पता है तो उसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फिर क्या करा, एच फोर की जो वैल्यू है एच फोर की वैल्यू को फाइंड आउट किया स्टीम टेबल से। यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, अगर स्टीम टेबल की मैं बात करूंगा तो स्टीम टेबल पे यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, एच एफ की वैल्यू मिल जाएगी, एच एफ जी की वैल्यू मिल जाएगी। इसी के रिगार्डिंग हमको एस एफ और एस एफ जी की वैल्यू मैंने बाय द स्टीम टेबल से यहाँ पर यूज किया, स्टीम टेबल से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, ठीक है। और इसी ही प्रेशर पर हमको यहाँ पे एच फाइव की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। भाई अगर हमारा प्रेशर यहाँ पर कितना था 0.01 बार था आई थिंक, ठीक है, कितना प्रेशर था सॉरी 0.05 बार, तो यहाँ पे जो प्रेशर है 0.05 बार है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर है हमारा 200 बार है, कितना बार है 200 बार है, तो ये वाला टेम्परेचर यहाँ पे कितना दे रखा है 500 डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर ये भी इससे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने दोनों जो वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने H1 S1 की जो वैल्यू को फाइंड आउट किया वो हमने मोलियर चार्ट डायग्राम से वैल्यू को फाइंड आउट किया है, लेकिन हमारा जो फोर पॉइंट पर हमारा जो प्रेशर है 0.05 बार यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, तो इसको स्टीम टेबल से ये सारी वैल्यू हमने देखी है और निकालने के बाद हमने यहाँ पर एच फोर की वैल्यू को फाइंड आउट किया और हमने एस फोर की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, समझ में आ गया। अगर मैं रिगार्डिंग बात करूंगा H5 की, तो H5 यहाँ पे क्या होगा हमारा फ्लूड होगा, तो ये H5 होगा, HF5 होगा, यहाँ पर HFG हम यूज नहीं करेंगे, HF5 करेंगे, और यहाँ पे SF की वैल्यू को हम देखेंगे SF5, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो HF5 है वो हमारा इक्वल होगा किसके, मतलब 0.05 बार पर यहाँ पे वैल्यू को देखेंगे HF5 की और SF SF की, तो HF और SF की वैल्यू को यहाँ पर इस वाले पॉइंट नंबर 5 पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा है, H4 और S4 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से कर लिया। अब आगे की तरफ बात करेंगे, ठीक है। नाउ गिविंग द टेम्परेचर एट स्टेट 3, हमारा जो स्टेट 3 है यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट लिख रहा हूं, वो आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं, क्या पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पर, नाउ गिविंग द टेम्परेचर एट स्टेट इस पे 3 पर, तो हमारा गिविन द टेम्परेचर एट स्टेट 3
इज 500 डिग्री सेल्सियस, वहां पे भी क्या स्टूडेंट हमारा 500 डिग्री सेल्सियस है। कहने का मतलब क्या है, 1 से 2 और 2 से 3, ठीक है, द्वारा हमने इसको रीहीट किया, रीहीट कर कब तक, कहां तक किया, जहां तक उसका टेम्परेचर था 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस तक उसको हमने गर्म किया। तो यहां पे आप लोग देख पाएंगे, अगर मैं बात करूं यहां पे स्टूडेंट, एस वन और एस टू की जो एंट्रोपी होगी डेट विल बी कॉन्स्टेंट होगी, लेकिन जो एस थ्री की यहां पे हमको एंट्रोपी निकलेगी वो अभी हमको नहीं पता है, और एस थ्री बराबर हमारा एस फोर होने वाला है, ठीक है। अभी के लिए हमारा क्या है, एस वन बराबर क्या एस टू है, एंट्रोपी जो वन पॉइंट पर है वो हमारी टू पॉइंट पर हमारी इक्वल होगी, लेकिन जो एंट्रोपी हमारी थ्री पर होगी तो एस थ्री बराबर हमारा कितना होगा एस फोर होगा, ये वाली जो एंट्रोपी होगी वो हमारी होगी यहाँ पर एस थ्री बराबर के एस फोर होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये वाला पर, तो ये इसमें होगा एस वन बराबर के एस टू, तो हमको क्या करना है एस थ्री बराबर एस टू एस फोर हमको करना है, और इसके रिगार्डिंग हमारी जो यहाँ पर एंट्रोपी निकल कर आई थी अभी पीछे, एस फोर की वैल्यू हमने निकाली थी ना, एस फोर बराबर कितना था, एंट्रोपी जो थी वो एस थ्री के बराबर होगी। अब देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे दैट इज द एस थ्री बराबर के क्या है हमारा एस फोर है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन वाले पॉइंट की अपने वैल्यू को देखेंगे, तो दोनों की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी निकल कर आएगी यहाँ पर 7.604 किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन हमारी निकल कर आएगी, क्योंकि अभी मैंने बताया था एस फोर बराबर एस थ्री है, एस फोर की हमकी वैल्यू पता है 7.604, और एस थ्री भी क्या होगा इसके हमारे इक्वल होने वाला है, ठीक है। आगे क्या देखेंगे, तो बाय द मोलियर चार्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे, बाय द मोलियर चार्ट, तो मोलियर चार्ट हम यूज करेंगे और इसके रिगार्डिंग यहां पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को देखेंगे किसकी, यहां पे एच फोर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, किसकी वैल्यू को, एच फोर की। तो यहां पे स्टूडेंट सॉरी प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहां पे हमको क्या पता है, एंट्रोपी की वैल्यू पता है और हमको एंथैल्पी की वैल्यू भी पता है, तो एंथैल्पी और एंट्रोपी के रिगार्डिंग क्या करेंगे, हमें प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे इससे, ठीक है। किसको फाइंड आउट करेंगे, प्रेशर को फाइंड आउट करेंगे, और प्रेशर यहां पे जो आने वाला है नियर अबाउट पी टू, तो पी टू जो प्रेशर होगा वो नियर अबाउट हमारे किसके बराबर आएगा, हमारा 14 बार के बराबर आएगा, किसके बार के, 14 बार के बराबर हमारा आएगा, ठीक है, बाय द मोलर डायग्राम से। अब इस वाले पॉइंट थ्री पर एंथैल्पी की बात करेंगे, देखो यहां पर प्रेशर हमको मिल गया कितना, 14 बार मिल गया, यहां पे लिख देता हूं मैं, पी जो आएगा हमारा 14 बार आएगा, ठीक है, बाय द मोलर चार्ट डायग्राम से। तो 14 बार पे स्टीम केवल से यहां पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे एच, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे एच एफ जी, ठीक है, एच एफ जी की वैल्यू को बात करेंगे और एस एफ जी की वैल्यू को बात करेंगे, तो यहां पे हमारा एंट्रोपी जो होगा कॉन्स्टेंट ही होगा, ठीक है। तो बात करने वाले यहां पर किसके बारे में, एंथैल्पी एट थ्री पर, तो बात करेंगे एंथैल्पी एट थ्री वाले पॉइंट पर, एंथैल्पी एट थ्री वाले पॉइंट पर, तो यहां पे जो एंथैल्पी आएगी वो हमारी क्या निकल कर आएगी, वो आएगी एच थ्री इक्वल्स टू बाय द स्टीम टेबल से, तो एच थ्री बराबर की 3474.1 किलो जूल पर केजी, ये आपको देखना है स्टूडेंट, ठीक है। प्रेशर निकालना है, ये वाला प्रेशर हमको निकालना था, वो मैंने आप आपको निकाल दिया बाय द, इसको हम फॉर्मूले के मेथड से भी निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपना मूल्य चार्ट डायग्राम को यूज करके यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से करने वाले हैं, एंट्रोपी की वैल्यू को देखना है ऊपर से, टेम्परेचर की वैल्यू को देखना है, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस और हमारा एंट्रोपी किस तरीके से है, इस तरीके से। देखो यहाँ पे मेरा एंट्रोपी था, मान लीजिए यहाँ पे कितना था हमारा 6.7 के आसपास था ना, 6.7 के आसपास एंट्रोपी की वैल्यू देखनी ऊपर से, इधर हमारा टेम्परेचर जा रहा है 500 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे दोनों हमारी कट कर रही होंगी, ये दोनों जो लाइन कट कर रही है उसके रिगार्डिंग ये टेम्परेचर की लाइन को जो प्रेशर की लाइन कट कर रही है वहीं पे हमारा प्रेशर दिया होगा 14 बार, वहां से मैंने क्या करा इसको फाइंड आउट किया है 14 बार को। समझ में आया किस तरीके से किया है, मैंने डायरेक्टली मोलर चार्ट डायग्राम को यूज करके यहाँ पे क्या किया, अपने प्रेशर को फाइंड आउट किया है, ठीक है, समझ में आ गया। और कैसे करना है, क्योंकि एंट्रोपी की वैल्यू दे रखी है और हमको टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है, दोनों की लाइन को जहां पे हमारा प्रेशर कट कर रहा है दोनों की लाइन को, तो वहां पे हमारा प्रेशर जाएगा हमारा 14 बार के आसपास हमारे यहाँ पर आने वाला है। उसी के रिगार्डिंग फिर मैंने क्या करा, स्टीम टेबल से जब हमको प्रेशर की वैल्यू पता चल गई, मैंने स्टीम टेबल से यहाँ पर एस थ्री की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, एस थ्री की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। एच थ्री का मतलब क्या है हमारा, एच जी क्या है, एच जी की वैल्यू हमारी होगी, ओके। या फिर अपना इसको या तो स्टीम टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलियर चार्ट डायग्राम से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से, क्योंकि प्रेशर की लाइन हमको पता है और यहाँ पे टेम्परेचर मुझको नहीं पता है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ में आ गया। क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर कितना होगा 500 डिग्री सेल्सियस होगा और आपका बार भी अपना दे रखा है, तो एंथैल्पी की वैल्यू भी हम वहां से मोलियर चार्ट डायग्राम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को,
किस तरीके से भाई, टेम्परेचर की लाइन तो ये थी, एंट्रोपी की ये है, प्रेशर हमको दे रखा है, इसके सामने अगर मैं लाइन देखूंगा यहां पर जो वैल्यू आएगी वो हमारी एस थ्री की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यूजिंग द मोलेट चार्ट डायग्राम, तो चार्ट डायग्राम से हम इजिली से अपनी वैल्यू को सीधे एच एफ जी एच जी की कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, हमको मोलेट चार्ट डायग्राम का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं, मोलियर चार्ट डायग्राम का जो यूज करते हैं वो हम अपना सुपर हीटेड डिवीजन में करते हैं, कि जहां पे हमारी जो स्टीम होती है वो सुपर हीटेड होती है, मतलब वेपर फॉर्म में होती है, वहीं पे हम क्या करते हैं मोलियर चार्ट डायग्राम का यूज करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो वहीं से मैंने लिया एस थ्री की वैल्यू। कभी आप सोचने लगो कि एस थ्री की वैल्यू मैंने कहां से ली है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे बाय द मोलियर चार्ट डायग्राम, बाय द मोलियर चार्ट डायग्राम। ठीक है, वो बाय द मोलियर चार्ट डायग्राम। अब बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट प्रोसेस एक से दो, ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, अब आगे की तरफ बढ़ेंगे यहां पर देखेंगे तो बात करेंगे प्रोसेस वन से टू देखेंगे। तो प्रोसेस वन से टू में हमारा क्या हो रहा है, टर्बाइन वर्क हमको मिल रहा है। ठीक है, प्रोसेस वन से टू में हमको क्या मिल रहा है, टर्बाइन वर्क मिल रहा है, जहां पे एस वन बराबर हमारा किसके होगा, एस टू के होगा, और यहाँ पे एंट्रोपी जो हमारी निकल कर आएगी वो आएगी हमारी 6.14 किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन हमारे यहाँ पर निकल कर आने वाला है। समझ में आ गया? ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे नाउ ड्राइनेस फ्रैक्शन एट टू। तो पॉइंट टू पर हमारा जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा, पॉइंट टू पर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, देखो यहाँ पे लाइन से पीछे की तरफ है तो यहाँ पे वन होता है, इससे पीछे है तो कुछ ना कुछ इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा। तो हम स्टीम टेबल से 14 बार पर क्या करेंगे, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू तो बेसिकली हमको दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बेसिकली ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू को पहले निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे अपने यहां पर, तो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहां पर स्टूडेंट एस टू बराबर के एस एफ टू प्लस के एक्स टू, एक्स टू एस एफ जी टू। ठीक है, क्योंकि हमको स्टेट नंबर टू पर हमको यहां से क्या करेंगे 14 बार पर एस एफ जी टू और एस एफ जी टू की इसकी वैल्यू को स्टीम टेबल से देखेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, स्टीम टेबल से हमारी वैल्यू क्या आएगी यहां पर स्टूडेंट at 14 bar, तो यहां पे हमारी SF की वैल्यू क्या आएगी, SFG की वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू हमारी यहां पर लिख देता हूं मैं। ठीक है, 2.28 हमारी आएगी, कितना 2.28 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो SFG है 4.154 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, ये हमारी स्टीम टेबल से आई है, इससे स्टीम टेबल से ये वाली वैल्यू को मैंने फाइंड आउट किया है, स्टीम टेबल से ये वाली वैल्यू को मैंने फाइंड आउट किया। तो यहां पे मैं वैल्यू को लिखूंगा, तो वैल्यू क्या निकलने आ, तो SF की वैल्यू हमारी 2.28 प्लस के एक्स टू, SFG2 की वैल्यू हमारी कितनी 4.154 और S2 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी अभी पीछे, अभी तो मैंने देखा था ना S2 की वैल्यू 6.14, कहां लिखी थी मैंने, X2 की वैल्यू नहीं लिखी, S2 की वैल्यू तो अभी मैंने लिखी थी, कहां लिख दी मैंने, पीछे लिख दिया आई थिंक, मैंने यहां लिख दिया सॉरी, तो यहां पे मैंने लिख दिया S1 बराबर S2 जो है 6.14 है, तो मैंने यहां पे लिख दिया, तो इसको यहीं पे लिख लेना। ठीक है, तो यहां पे जो S2 की वैल्यू है कितनी है 6.14 है, कितनी है 6.14 बराबर के 2.28, इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके देखेंगे हमारी वैल्यू 6.14 माइनस के 2.28, ठीक है, इक्वल करेंगे और डिवाइड करेंगे 4.154 से, तो वैल्यू आएगी हमारी 0.92। तो X2 की जो वैल्यू आएगी 0.93 मान लेंगे, तो 0.93 यहाँ पे हमारी वैल्यू आने वाली है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे बात करेंगे H2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो H2 किस तरीके से फाइंड आउट करने वाले देखेंगे आप स्टूडेंट। तो H2 बराबर हो जाएगा हमारा HF2 प्लस के X2 HFG2। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे HF2 की जो वैल्यू है वो भी हम क्या करेंगे at 14 bar पर देखेंगे, तो HF की वैल्यू को देखेंगे, HFG की वैल्यू को देखेंगे। ठीक है, बाय द स्टीम टेबल से, तो HF की वैल्यू है 837.5 bar किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी केल्विन, और इसी के रिगार्डिंग HFG की जो वैल्यू आएगी वो 1951.4 किलो जूल पर केजी। ठीक है, केल्विन नहीं आए, किलो जूल पर केजी। तो स्टीम टेबल से आप देखेंगे 14 बार पर, तो यहां पे HF2 की वैल्यू हमारी कितनी है, दैट इज द 837.5
37.5 प्लस के एक्स टू की कितनी है 0.93 मल्टीप्लाई एच एफ जी टू की कितनी है 1951.4। कैलकुलेट करेंगे तो एच टू बराबर हमारे यहाँ पर निकल कर आएगा कितना देखेंगे तो हमारा आएगा 0.93 मल्टीप्लाई 1951.4 इक्वल प्लस करेंगे 837.5 तो वैल्यू आएगी 2652.302 किलो जूल पर केजी हमारा यहां पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है तो समझ में आएगा इतना H2 हमको निकल गया। अब इसी के साथ बात करेंगे पंप वर्क के बारे में। तो जैसे मैंने पीछे आपको बताया था पंप वर्क किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं तो बात करेंगे पंप वर्क के बारे में। किसके बारे में पंप वर्क तो पंप वर्क देखने वाले हैं हम जानते हैं दैट इज द डब्ल्यू पी बराबर हमारा क्या होता है डब्ल्यू पी बराबर हम क्या करेंगे पंप वर्क जो हमको मिल रहा है वो किस वाले पॉइंट पर मिलेगा यहां पर पाइप पर मिलेगा। ठीक है पाइप पर तो यहां पे क्या करेंगे स्टीम टेबल से हम इसी पर हम क्या करेंगे वी एफ की वैल्यू को देखेंगे स्टीम टेबल से एट 0.05 बार इस वाले प्रेशर पर हम क्या करेंगे स्टीम टेबल से वैल्यू को देखेंगे तो यहां पे हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी ना 0.001 तो 0.001005 किलो जूल पर केजी केल्विन ये वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी। ठीक है तो हमारा प्रेशर कितना है 0.05 तो यहां पे 0.05 पर वीएफ की वैल्यू को देखने वाले हैं। ठीक है तो वीएफ हमारा निकल कर आएगा 0.001005 तो यहां पे हो जाएगा वीएफ 5 ये हो जाएगा हमारा पी कितना प्रेशर है हमारा एक ही पंप है तो पी वन माइनस पी फोर हो जाएगा कितना हो जाएगा पी वन माइनस के 1, 2, 3 ठीक है तो पी इसको पी थ्री लिख लेना पी थ्री कितना हो जाएगा पी थ्री तो पी वन माइनस के पी थ्री ओके तो ये हो जाएगा हमारा कितना दे रखा है स्टूडेंट 0.001005 पी वन की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी पी वन की वैल्यू दे रखी है 200 ये हो जाएगी मेरी 0.05 समझ में आ गया इतना तो 200.05 और हमारा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 10^2 से क्योंकि जो वैल्यू हमारी किसमें है बार में है। ठीक है इसको किलो में कन्वर्ट करना है तो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे अब आगे की तरफ तो 200 माइनस के 0.05 इक्वल मल्टीप्लाई 0.001005 इक्वल मल्टीप्लाई 100 तो वैल्यू आएगी 20.095 किलो जूल पर केजी हमारा पंप वर्क हमारा निकल कर आ गया। समझ में आ गया अब यहां पे क्या करेंगे अपना H6 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू को हमको अपना H6 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है क्योंकि हमको बॉयलर हीट सप्लाई हमको निकालनी है तो यहीं पर हम क्या करेंगे H6 की वैल्यू को देखेंगे तो H6 की वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं पंप वर्क हम जानते हैं पंप वर्क क्या होता है दैट इज द H6 माइनस के H5 हो जाएगा तो ये FF कंडीशन में होंगी मतलब जो हम स्टीम टेबल से देखेंगे HF5 की वैल्यू देखेंगे और ये हमारी HF6 की वैल्यू पर लेकिन H6 की वैल्यू हमको निकालना है तो ये हो जाएगा WP प्लस के H5 कितना हो जाएगा WP प्लस के H5 तो 20.95 प्लस के HF5 की हमकी वैल्यू पता है अभी हमने पीछे निकाली थी तो वो थी हमारी 137.8 तो ये HF6 है इसको लिख लेना ठीक है HF6 सही है ओके तो यहाँ पे HF6 की जो वैल्यू निकल कर आएगी इनको ऐड कर देंगे ऐड करके हमारी वैल्यू आने वाली यहाँ पर और 20.095 प्लस के 137.8 इक्वल 157.895 किलो जूल पर केजी केल्विन ठीक है ये हमारी केल्विन नहीं आने वाला किलो जूल पर केजी आएगा। ठीक है ये हमारा HF6 निकल गया। इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे टरबाइन वर्क के बारे में तो यहां पे मैं बात करूंगा किसके बारे में टरबाइन वर्क किस तरीके से देखेंगे तो टरबाइन वर्क हमारा कितना निकल दो टरबाइन हमारी लगी हुई है तो दो टरबाइन लगी हुई है डेट इज द WT तो WT बराबर हमारा कितना हो जाएगा देखेंगे ध्यान देंगे यहां पर H1 - KH2 और H3 - KH4 H1 - KH2 ये हो जाएगा हमारा H1 - KH2 प्लस के H3 - KH4 H3 - KH4 हमारा होने वाला है। ठीक है तो इनकी वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे हमारी वैल्यू क्या आएगी तो H1 की जो वैल्यू हमारी आई थी 3240 माइनस H2 की जो वैल्यू है 2652.3 हमारा दिया हुआ है। ठीक है इसके रिगार्डिंग H3 की जो वैल्यू है 3474
3474.1 माइनस के, H4 की वैल्यू हमने निकाली थी पीछे 2319.22, ये वैल्यू मैंने पीछे देख लेना सभी सारी हुई है, ठीक है सारी निकाली हुई है, कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 3240 प्लस सॉरी माइनस के 2652.3 इक्वल 58587.7 प्लस के यहां पर आएगा 3474.1 माइनस 2319.22 तो वैल्यू आएगी हमारी 1154.88 दोनों को ऐड करेंगे तो 587.7 तो वैल्यू आएगी हमारी 1742.58 ये हमारे यहां पर वैल्यू निकल कर आने वाली है, ठीक है। तो दिस इज द टर्बाइन वर्क हमारा निकल गया कितना किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी टर्बाइन वर्क हमारा यहां पर इस तरीके से निकाल देंगे। अब बात करेंगे नेट वर्क डन की, किसके बारे में बात करेंगे नेट वर्क डन के बारे में बात करेंगे, तो नेट वर्क डन हमारा क्या होने वाला है, तो बात करेंगे नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन क्या होगा डब्ल्यू नेट दैट विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू टी माइनस के डब्ल्यू पी, डब्ल्यू टी माइनस के डब्ल्यू पी, टर्बाइन वर्क हमारा है 1748.58 माइनस के डब्ल्यू पी हमारा 20 के आसपास हमारा निकल कर आया था, कितना 20.095, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे वैल्यू हमारी निकल कर आएगी कितनी 1742.58 क्या वैल्यू आई थी हमारी ये 587.7 प्लस के 1154.88 ये थी 1742 गलत आई है निकल के, ये इसको सही कर लेना 1742.58 किलो जूल पर केजी, ठीक है वही यहाँ पे कर लेना इसको 1742.58 इसमें माइनस करेंगे 20.095 तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1722.485 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी ये डब्ल्यू नेट हमारे हमारा निकल कर आया, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग क्या करेंगे आगे, इसी के रिगार्डिंग देखेंगे अपना हीट सप्लाइड की वैल्यू को देखेंगे, इसका हीट सप्लाइड, अब हीट सप्लाइड हमने कितना किया वो यहाँ पे वैल्यू को देखने वाले हैं, ठीक है। तो हीट सप्लाइड की वैल्यू देखेंगे तो हमारा हीट सप्लाइड हो जाएगा कितना H1 माइनस के H6, कितना हो जाएगा स्टैंड हमारा H1 माइनस के H6 तो हमारी हीट सप्लाइड हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहां पर देखेंगे इसको आगे की तरफ, तो H1 की वैल्यू हमारी जो है वो हमारी कितनी है 3240 माइनस के H6 की वैल्यू 157.89, ठीक है। तो देखेंगे इसको कैलकुलेट करके हमारी वैल्यू कितनी आने वाली है यहां पर, तो 3240 माइनस के 157.89 तो वैल्यू आएगी 3082.11 हाँ एक और वैल्यू रह रही है ना इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से हमारी हीट सप्लाइड हमारी निकल कर आ जाएगी किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, ठीक है। इफिशियंसी की बात करेंगे यहां पर, तो इफिशियंसी हमारी क्या होने वाली है थर्मल इफिशियंसी, तो थर्मल इफिशियंसी हो जाएगा नेट वर्क डन, नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है। तो नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड हमारा होने वाला है, तो नेट वर्क डन अभी हमने देखा कितना निकल कर आया था हमारा 1722.485 अपॉन 3082.11, इसको देखेंगे सॉल्व करके तो हमारे यहां पर इफिशियंसी निकल कर आने वाली है, तो इफिशियंसी हमारे यहां पर आएगी कितनी 1722.485 को मैंने डिवाइड कर दिया 3082.11 तो वैल्यू आएगी 0.55888, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम लिख सकते हैं कितना 55.8% हमारे यहां पर इफिशियंसी निकल कर आएगी, किसकी थर्मल इफिशियंसी।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि हमारा जो रीहीट साइकिल थी, रीहीट साइकिल के अकॉर्डिंग हमारे जो न्यूमेरिकल्स थे वो हमने यहां पर देखे, किस तरीके से अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है वो हमने यहां पर देखा। सबसे मेन पॉइंट हमारा ये होता है कि स्टीम टेबल को आपको यूज करना आना चाहिए, साथ ही साथ मोलियर चार्ट डायग्राम भी आपको यूज करना आना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है किस तरीके से मोलियर चार्ट डायग्राम यूज करते हैं या स्टीम डायग्राम को किस तरीके से यूज करते हैं, स्टीम डायग्राम तो मैंने प्रीवियस वाली क्लासेस में आपको बताया था किस तरीके से स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलियर चार्ट डायग्राम भी मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको थर्ड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर में थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया था, वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं किस तरीके से मैंने अपनी मोलियर चार्ट डायग्राम को देखने से मतलब किस तरीके से अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने देखा अपने न्यूमेरिकल्स के बारे में, एक क्वेश्चन और रह जाता है जो हमारा रीजनरेटिव का, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।